गो। अस्सलाम वालेकुम, न्यू व्लॉग में खुश आमदेद। आप देख रहे हैं नाचिनारी व्लॉग्स। आज की व्लॉग में हम आपसे डिस्कस करने वाले थे बल्तिस्तान के हवाले से, जो वहाँ पर सियाह घूमने चले आते, जो तफरी के लिए पाकिस्तान के लिए आते हैं, उनके हवाले से इन्फॉर्मेशन देनी थी। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि मैं असल में दर्द हो रहा था, तो नीचे आपको पता है दुकान है, तो रश लगा होता, कस्टमर आ रहा है जा रहा है, तो लेट नहीं सकता। तो मैं ये ऊपर गोदाम में आया हूँ, गोदाम में आके मैंने चल गया यार लेडियों ने पंगा मंगा लगाया हुआ, और बाकी ये लेटने की जगह है, यहाँ पर काटे मिची भी है। आप कभी बंदर तबीयत ख़राब हो, कभी रेस्ट करनी हो, कभी सर में दर्द हो, थोड़ी तबीयत ख़राब हो, आराम करें तो नहीं, आराम के लिए जगह बनाया हुआ। तो यहाँ आके मैं आप ज़रा गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। उसके बाद हम बात चलते हैं भाई गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। अगर कोई भी यहाँ से पाकिस्तानी, चाहे वो लाहौर से, चाहे कराची से, पेशावर से, कहीं से भी अगर वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ घूमने जाना चाहते हैं, तो उनके लिए दो ऑप्शन होती है भाई। आप पिंडी से या तो बाय एयर चले जाए या बाय रोड। बाय एयर अगर आप जाएंगे स्कर्दून जाना चाहते हैं, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आप स्कर्दून इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहाँ से शहर की तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर के फासले पर ही एयरपोर्ट स्कर्दून शहर से, और फिर वहाँ आप जाके होटल में रहेंगे। वहाँ से आपको सारे ऑप्शन आपके मिल जाएंगे कहीं भी जाना हो। अगर आपने बाय रोड जाना है तो आपको फिर बाय रोड, फिर ये एबटाबाद, मानसरा, फिर आके बडग्राम, फिर बिशाम, बिशाम से होता हुआ कोहिस्तान, कोहिस्तान से आके छिलास, छिलास से फिर आपका जुगलोट से दो रास्ते आते हैं। एक तो आपको गिलगित और हुंजे बॉर्डर के लिए, और दूसरा जो रास्ता टेंट मार के आप अलिम ब्रिज के थ्रू शार बल्तिस्तान पे, शार बल्तिस्तान पे अगर आप जाएंगे तो फिर वो बल्तिस्तान के लिए आएंगे, जहाँ पर केटू वगैरह, शंग्रीला है या स्कर्दू शहर है। अगर आप उस तरफ मुड़ते ही है तो आपको वहाँ पर सबसर है, युलगू है, गंजी है। अच्छा, फिर अगर वहाँ पर टूरिस्ट जो पॉइंट है वो है स्तक नाला है, वहाँ पर जो बड़ी जो नाला बह रहे हैं, आबशार बह रहे हैं वहाँ से, और वहाँ पर होटल है बेहतरीन और लोकेशन भी अच्छी है। और फिर वहाँ से आगे जाएंगे तो आपको डमदास आएंगे, डमदास से आपको व्यू पॉइंट दो मिलेंगे। आप अगर ब्लेमिक व्यू पॉइंट देखना चाहते हैं, वो भी दुनिया के बेहतरीन खूबसूरत जगह है। उसके अलावा अगर आप तोरमिक साइड पर जाना चाहते हैं, तोरमिक झील है, तोरमिक ब्लॉक है, तो वो भी बेहतरीन जगह है। अगर दोनों नहीं आपने स्कर्दू शहर ही जाना है, तो आप वहाँ से आगे चले जाएंगे, तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है डमदास से स्कर्दू शहर। वो आप शहर पहुँच जाएंगे, फिर शहर के बाद आपको किसी भी होटल में आपने रेस्ट करनी है। वहाँ बहुत सारे होटल बने हुए और मुनासिब रेट पे बने हुए, और उसके अलावा वहाँ पर आपको शंग्रीला है, सतपारा झील है, अच्छा दियोसाई है, दुनिया की बुलंद तरीन जो मैदान है दियोसाई, वो सरसब्ज है, पानी है वहाँ पर, मौसम बेहतरीन है। उसके अलावा फिर आपको मंटोगर आबशार है, दुनिया का मेरे ख्याल में सबसे बुलंद तरीन आबशार है, वो आबशार आपको वहाँ मिलेंगे। फिर आपके पास है भाई शिगर फोर्ट है, अच्छा खपड़ो फोर्ट है। उसके अलावा आपको फिर आपके आगे जाएगा सियाचिन की साइड पे भी, केटू साइड पे लोग जाते हैं, और गांचे एरिया है। उसके अलावा स्कर्दू के अंदर भी बहुत सारे हैं, कत्पना है, अच्छा बशो है, बेहतरीन जगह है लोकेशन में, अच्छा बशो के अंदर भी है। तो ये